हे गाइस, तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने नॉन सपोर्टेड पीसी में विंडोज़ 11 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, अगर आपका पीसी विंडोज़ 11 सपोर्टेड नहीं है तो कैसे आपको अपने पीसी में विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होगा। तो गाइस, पूरा प्रोसीजर लिटरली बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कुछ ही मिनट के अंदर आप अपने नॉन सपोर्टेड पीसी में विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर पाएंगे, और इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाएगा विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पीसी में। तो अभी आप देख सकते हैं, मैंने इस पीसी में इंस्टॉल कर रखा है विंडोज़ 11 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपको इस पीसी की सबसे पहले तो स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है पीसी हेल्थ चेक, उस सॉफ्टवेयर को मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप ये पता कर पाएंगे कि आपका पीसी विंडोज़ 11 सपोर्टेड है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर को पहले से इंस्टॉल कर रखा है अपने पीसी में, इसको हम कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे ये पीसी विंडोज़ 11 सपोर्टेड नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, हमारा ये पीसी विंडोज़ 11 सपोर्टेड नहीं है। हमारे इस पीसी में ना ही सिक्योर बूट है, ना ही ये TPM इनेबल है, और ना ही हमारा प्रोसेसर जो है वो विंडोज़ 11 को सपोर्ट करता है। इस पीसी में मैं यूज़ कर रहा हूँ इंटेल i5 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे पीसी विंडोज़ 11 सपोर्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस पीसी में विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको इस पीसी का अबाउट सेक्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने इस पीसी में इंस्टॉल किया हुआ है विंडोज़ 11 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, हमने इस पीसी में इंस्टॉल किया हुआ है विंडोज़ 11 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको अपने नॉन सपोर्टेड पीसी में विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होता है। तो चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप अपने नॉन सपोर्टेड पीसी में विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है अपने पीसी में। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है विंडोज़ 10 डाउनलोड। आपको सिंपली सर्च करना है वेब ब्राउज़र में विंडोज़ 10 डाउनलोड। विंडोज़ 10 डाउनलोड सर्च करते ही सबसे पहले जो वेबसाइट आ रही है, उस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। अब हमें डाउनलोड करना है विंडोज़ 10 का ISO फाइल। तो आपके पीसी में विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा विंडोज़ 10 की ISO फाइल को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे विंडोज़ 10 की मीडिया फाइल हम देख सकते हैं, लेकिन विंडोज़ 10 की ISO फाइल यहाँ पे हमें विजिबल नहीं है। तो विंडोज़ 10 की ISO फाइल कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस वेब ब्राउज़र के टॉप राइट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 डॉट्स दिए गए हैं। इन 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। गाइस, अभी मैं जो जो सेटिंग कर रहा हूँ वो सेम आपको फॉलो करना है। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा मोर टूल्स पर। मोर टूल्स पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना होगा डेवलपर टूल्स पर, और उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं नेटवर्क कंडीशंस। तो अभी मैं जो सेटिंग अभी मैं करने वाला हूँ उसमें वो सब आपको फॉलो करना होगा। आपको यहाँ पे यूजर एजेंट को आपको चेंज करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आप यूज ब्राउजर डिफॉल्ट को आप अनचेक करेंगे, और उसके बाद आपको चूज करना होगा क्रोम OS को। मेक श्योर गाइस, अभी जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ वो सभी आप फॉलो करें। तो हमें यूज़र एजेंट को चेंज करके क्रोम OS हमको कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली इस पेज को कर लेना है रिफ्रेश। सिंपली हम इस पेज को कर लेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे सामने आ चुकी है विंडोज़ 10 की ISO फाइल। आप देख सकते हैं, यहाँ पे विंडोज़ 10 की ISO फाइल हमारे सामने आ चुकी है। अब सिंपली यहाँ पर आपको एडिशन को चूज़ कर लेना है। तो हम चूज़ कर लेते हैं विंडोज़ 10। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन कन्फर्म। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज को चूज़ करना होगा। मेक श्योर गाइस, यहाँ पर आप जो भी लैंग्वेज चूज़ करें, विंडोज़ 11 के इंस्टॉलेशन के वक्त भी आपको सेम लैंग्वेज चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हम लैंग्वेज को चूज़ कर लेते हैं इंग्लिश। उसके बाद हम क्लिक करेंगे कन्फर्म पर। अब यहाँ पर हमें आर्किटेक्चर चूज कर लेना है। तो हम चूज कर लेते हैं 64 बिट का आर्किटेक्चर। अब यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर विंडोज़ 10 की ISO फाइल डाउनलोड हो रही है। तो कुछ ही मिनट के अंदर ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो गाइस, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके नॉन सपोर्टेड पीसी में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा विंडोज़ 10, ठीक है। तो अभी जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ सेम स्टेप आपको फॉलो करना है। पूरा प्रोसीजर गाइस लिटरली बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कुछ ही मिनट के अंदर आप अपने नॉन सपोर्टेड पीसी में विंडोज़ 11 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप चला पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ ही मिनट के अंदर यहाँ पर ये विंडोज़ 10 की ISO फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हमें डाउनलोड करना होगा विंडोज़ 11 की ISO फाइल को। वो आपको कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको वेब ब्राउज़र के URL में जाना है। वेब URL में जाने के बाद सिंपली यहाँ पर
विंडोज 10 ISO की जगह आपको लिखना होगा विंडोज 11। आपको पीछे से ISO हटा देना है और आपको लिखना है विंडोज 11। तो इस URL में आपको और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ आपको लिखना है विंडोज 11। विंडोज 11 लिखने के बाद आपको सिंपली एंटर प्रेस कर लेना है URL में, और कुछ चेंजेस नहीं करना है। तो एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने विंडोज 11 की ISO फाइल हमारे सामने आ चुकी है। तो अब हमें डाउनलोड करना होगा विंडोज 11 की ISO फाइल को। तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो तीसरा डाउनलोड जो है आप देख सकते हैं, ये है विंडोज 11 का ISO। तो इस विंडोज 11 की ISO फाइल को हमें कर लेना है डाउनलोड। तो सिंपली हम चूज करते हैं विंडोज 11 और हमें क्लिक करना होगा डाउनलोड पर। तो गाइस अभी मैं जो जो स्टेप फॉलो कर रहा है सेम स्टेप आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज करना है, यहाँ पर आपको सेम लैंग्वेज चूज करना है जो आपने विंडोज 10 की ISO फाइल डाउनलोड करते वक्त चूज किया था। तो वहाँ पर हमने इंग्लिश को चूज किया था, तो हम यहाँ पर भी इंग्लिश चूज कर लेते हैं। लैंग्वेज चूज करने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना होगा कन्फर्म पर। अब यहाँ पर आर्किटेक्चर आपको चूज कर लेना है 64-bit डाउनलोड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम में यहाँ पे विंडोज 11 की ISO फाइल यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो गाइस पूरा स्टेप लिटरली बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ ही मिनट के अंदर आप अपने नॉन सपोर्टेड पीसी में विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को आप चला पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ही मिनट के अंदर हमारी ये विंडोज 11 की ISO फाइल भी डाउनलोड हो चुकी है। अब सिंपली हमें इन फाइल्स को ओपन कर लेना है। तो इन फाइल्स को ओपन करने से पहले हम डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लेते हैं, और इस फोल्डर को हम नाम देते हैं विंडोज 11 इंस्टॉल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, और इस फोल्डर को हमने डेस्कटॉप पर रखा है। अब हम इस डाउनलोड को कर लेते हैं ओपन। तो अब हमें सबसे पहले विंडोज 10 की ISO फाइल को ओपन करना होगा। तो इस पर हम करते हैं डबल क्लिक। सबसे पहले हमें ओपन करना होगा विंडोज 10 की ISO फाइल को, इस पर हमें सिंपली डबल क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स दी गई है। अब हमें क्या करना है, इन सभी फाइल्स को मूव करना होगा हमारे इस न्यूली क्रिएटेड फोल्डर में जो है विंडोज 11 इंस्टॉल। तो हम इन सभी फाइल्स को मूव कर लेते हैं हमारे इस फोल्डर में जो अभी हमने क्रिएट किया है। आपको सिंपली कंट्रोल ए प्रेस करके सारी फाइल्स को ड्रैग करके इस फोल्डर में मूव कर लेना है। तो आप देख सकते हैं विंडोज 10 के ISO में जितनी भी फाइल्स है ये सभी फाइल्स हम मूव कर रहे हैं हमारे इस न्यूली क्रिएटेड फोल्डर में जो हमने क्रिएट किया था विंडोज 11 इंस्टॉल। तो ये सभी फाइल मूव हो रही है हमारे इस फोल्डर में। तो अब हम इस फोल्डर को कर लेते हैं ओपन। फोल्डर को ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा सोर्सेस पे। आप देख सकते हैं सोर्सेस का ऑप्शन है, इस पर आपको करना होगा क्लिक। अब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप एक फाइल देख सकते हैं। फाइल का नाम है install.vim। install.vim ये एक WIM फाइल है और लगभग 48 लाख KB की ये फाइल है। तो हमें पर्टिकुलरली इस फाइल को रिप्लेस करना होगा एक दूसरी फाइल के साथ। किस फाइल के साथ आपको रिप्लेस करना है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ऐसी ही एक सेम फाइल विंडोज 11 के ISO में भी मौजूद होगी। तो आपको सिंपली विंडोज 11 की फाइल को इस फाइल से रिप्लेस करना होगा। तो चलिए अब हम ओपन कर लेते हैं विंडोज 11 के ISO फाइल को। तो इसमें भी आपको सोर्सेस में जाना होगा। सोर्सेस में जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप ये फाइल देख सकते हैं install.vim। ये WIM फाइल है और लगभग 46 लाख KB की ये फाइल है। तो हमें विंडोज 11 ISO में से पर्टिकुलरली इस install.wim फाइल को मूव करना होगा हमारे इस न्यूली क्रिएटेड फोल्डर में। तो सिंपली आप इसको होल्ड करके आप इस प्रकार से इसको मूव कर लेंगे। अब आपको क्लिक करना होगा रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन। तो इस पर क्लिक करते ही हमारी ये फाइल यहाँ पर मूव हो जाएगी। ओके, सो वी हैव डन ऑल द फॉर्मेलिटीज। अब हम इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं जो है विंडोज 11 इंस्टॉल। अब यहाँ पर आप बॉटम में एक सेटअप का ऑप्शन देख सकते हैं, सिंपली आपको इस पर डबल क्लिक करना होगा। तो आपको सिंपली सेटअप पर डबल क्लिक करना होगा, दैट्स इट, यहाँ पर इंस्टॉलेशन अपने आप चालू हो जाएगा। तो अभी गाइस हम कुछ फ्रैंकेस्टाइन वाला कुछ इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो अभी जो जो स्टेप मैं अभी कर रहा हूँ सेम वही स्टेप आपको फॉलो करना होगा। तो सिंपली आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट पर। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा गया इंस्टॉल विंडोज 10, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अभी कुछ ही सेकंड के अंदर आप देख पाएंगे कि हमारे पीसी में विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो गाइस अभी मैं जो जो स्टेप करने वाला हूँ सेम आपको वही स्टेप आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं चेंज हाउ विंडोज सेटअप डाउनलोड अपडेट्स। तो इस पर आपको क्लिक करके आपको सिंपली नॉट राइट नाउ पे क्लिक करना होगा। तो अभी हमें कोई भी अपडेट नहीं चाहिए, तो हम दूसरे ऑप्शन को चूज कर लेते हैं नॉट राइट नाउ। अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। Now we have to click on accept।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने आ गया है इंस्टॉल विंडोज 11 प्रो, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सिंपली हमें इंस्टॉल पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे लिखा रहा है इंस्टॉलिंग विंडोज 10, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी हमारे पीसी में इंस्टॉल हो रहा है विंडोज 11 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि पीसी रिस्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद। तो पीसी रिस्टार्ट होने की वजह से यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर हो जाएगा बंद। तो आगे की रिकॉर्डिंग आप जो देखेंगे वो आप देखेंगे मेरे DSLR से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पीसी हो गया है रिस्टार्ट और यहाँ पर विंडोज 11 का लोगो भी हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीसी में विंडोज 11 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है और हमारा सारा डाटा हमारे पीसी में अभी भी मौजूद है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो मैं आपको इस पीसी के अबाउट सेक्शन में जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीसी में विंडोज 11 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए मैं आपको दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है पीसी हेल्थ चेक, इसको ओपन करके दिखा देता हूँ अब क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पर अभी भी दिखा रहे हैं कि हमारे पीसी विंडोज 11 सपोर्टेड नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं हम अपने पीसी में यूज कर रहे हैं विंडोज 11 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं एवरीथिंग इज सेम प्रोसेसर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इंटेल i5 3rd generation। इस पीसी में सिक्योर बूट नहीं है, TPM इनेबल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने इस नॉन सपोर्टेड पीसी में विंडोज 11 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपरली, बिल्कुल लैग फ्री यहाँ पर विंडोज 11 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पीसी में वर्क कर रहा है। तो गाइस अगर आपका पीसी भी विंडोज 11 सपोर्ट नहीं करता है तो आज के इस वीडियो को फॉलो करके आप अपने नॉन सपोर्टेड पीसी में भी विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर पाएंगे। तो आई होप आज की ये वीडियो आप सभी के लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। अगर आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, प्लीज़ आज की इस वीडियो को करना लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करना शेयर। तो गाइस आज की इस वीडियो का प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और उन्हें अवेयर करना किस प्रकार से आप अपने नॉन सपोर्टेड पीसी में भी आप विंडोज 11 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम आप चला पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।